हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की वीडियोस में यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 20 भी कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। करंट रेक्टेंगुलर ग्रेसी प्लॉट है। देखिए ये रेक्टेंगुलर ये ग्रेसी प्लॉट है, ठीक है। इस प्लॉट में यहाँ पे कह रहा है इसकी जो यहाँ पे लेंथ है वो 75 मीटर है और फिर यहाँ पे इसकी जो ब्रेथ है वो 60 मीटर है। इट हैज ए पथ अप टू 2 मीटर ऑल अराउंड इट ऑन इन साइड। खरे इसके अंदर से यहाँ पे 2 मीटर का यहाँ पे क्या एक पथ है, 2 मीटर का क्या है ये, इसकी ब्रेथ कितनी है 2 मीटर चारों तरफ से। तो कह रहा है इस पथ की जो है वो पथ का एरिया यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसकी ब्रेथ कितनी है 2 मीटर। तो हम क्या करते हैं इसकी डायमेंशन जो इनर डायमेंशन या आउटर डायमेंशन है, तो इनर डायमेंशन तो इनर लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, 2 इधर से कम हो गया 4 कम हो गया, ऐसे ब्रेथ जो है इसकी 2 इधर से कम हो गया 2 मीटर इधर से कम हो गया, तो 4 मतलब 4 लेंथ में भी कम हो रहा है 4 ब्रेथ में भी कम हो रहा है। तो इसकी जो इनर लेंथ होगी, ठीक है, इनर लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 75 माइनस 2 प्लस 2 इसको कितनी हो जाएगी 75 माइनस 4 इसको जो आ गया यहाँ पे क्या 71। ऐसे ही यहाँ पे इनर ब्रेथ निकाल लीजिए, यहाँ पे इसकी इनर ब्रेथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पर भी 60 माइनस 2 प्लस 2 यानी 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 56, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या करोगे आप, अब यहाँ पथ के एरिया निकालिए पूरे जो है रेक्टेंगल के एरिया में से, ये छोटा जो रेक्टेंगल के एरिया माइनस कर दीजिए, वो पथ का जो है रास्ता वो एरिया जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे हम एरिया ऑफ ए प्लॉट विद पथ। अब यहाँ देखिए क्या विद पथ कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 75 इंटू 60 इक्वल टू 75 में आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आएगा आपका 4500, इतना क्या आ गया मीटर स्क्वायर। ऐसे यहाँ का निकल एरिया प्लाट विदाउट पथ क्या हो जाएगा, विदाउट पथ ये कितना हो जाएगा, इसका इनर डायमेंशन कितना है 71 इंटू 56 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, इस वजह मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपके यहाँ आएगा 3976 मीटर स्क्वायर। अब क्या करो पूरे एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दें यहाँ पे, तो यहाँ लिखोगे आप यहाँ पे क्या एरिया ऑफ पथ कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो पूरा एरिया था यहाँ पे 4500 माइनस 3976 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका जो माइनस करने पर आपका आएगा कितना 524। ये इतना आ गया रास्ते का एरिया। अब कह रहे हैं यहाँ पे सब कॉस्ट के लिए यहाँ फाइन करना है, कह रहे रास्ते पे जो है कॉस्ट कटिंग करने का उसको कॉस्ट है 125 पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पथ, ठीक है। तो ये निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना है 524 और इसका जो यहाँ पे रेट है वो है 125, इसको तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आएगा 65,500। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेम इसी टाइप का पूरी एक्सरसाइज जो आपकी 20 भी है, ये पूरी एक्सरसाइज सेम ऐसे ही है, जो अलग थोड़े से क्वेश्चन होंगे उसको हम ऐसे बताते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3 दोनों सेम ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 4 देख लीजिए, उसकी जो है डायमेंशन दी गई है और उसके जो है बाहर से आपके यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे रास्ता अंदर से था, यही भी आपका रास्ता यहाँ पे क्या है बाहर से है। तो यहाँ देखिए ये है, ये जो है प्लॉट दिया गया है, ठीक है। इस प्लॉट की जो है डायमेंशन दी गई है 38 मीटर और 25 मीटर। अब क्या इसके बाहर से एक रास्ता है, ठीक है, बाहर से रास्ता और बाहर रास्ते जो है कितनी है 2.5 मीटर इसके चारों तरफ से ब्रेथ है इस रास्ते की। तो कह रहा है इसमें जो है ग्रेविटी कॉस्ट ऑफ ग्रेविटी, इस पथ को ग्रेविटी कराने का कॉस्ट निकालना वो भी 120 पर मीटर स्क्वायर के रेट से। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे 2.5 मीटर इधर बढ़ गया आउट जो इनर आपका, सॉरी इनर आपका 38 है, तो यहाँ पे आउटर यहाँ निकाल लीजिए क्या आउटर लेंथ कितना हो जाएगा 38 था प्लस
2.5 इधर यानी कि 5 बढ़ गया, बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 43 मीटर। और आउटर यहाँ पे विड्थ निकाल लीजिए, आउटर विड्थ हो जाएगा यहाँ पे 25 था प्लस 5 बढ़ गया कितना आ गया 30 मीटर। 30 मीटर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सेम वही कंडीशन जैसे फर्स्ट में अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आप निकालोगे क्या एरिया ऑफ प्लॉट विथ एरिया ऑफ प्लॉट विद पथ, पथ के साथ उसके एरिया कितना हो जाएगा, ये आउटर डायमेंशन है तो हो जाएगा 43 और 30 दोनों यहाँ नंबर अप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 290 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1290 आएगा यहाँ पे, 1290 आएगा है ना। और फिर इसके बाद जब यहाँ पे आप इसका एरिया प्लॉट विदाउट विदाउट पथ निकाल लीजिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इनर डायमेंशन कितनी है 38 × 25, तो इसको जब आप यहाँ पे फाइंड करोगे इसको मल्टीप्लाई करने का आपका 38 × 250 में मल्टीप्लाई करोगे 25 में तो ये आपका 950 आएगा, इतना मीटर स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका एरिया पथ के एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ पथ, पथ का एरिया निकाली तो पथ का एरिया क्या जाएगा पूरे एरिया में से ये जो आपका इनर एरिया उसको आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पे ये आपका आएगा 340 मीटर स्क्वायर। अब इसका कॉस्ट निकाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ग्रेविंग, कॉस्ट ऑफ ग्रेविंग द पथ एट द रेट ऑफ ₹120 per meter square, तो जाएगा 340 × 120 कर लीजिए, दोनों मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे कितना आएगा ₹408 ये आपका 4500 ये आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया सब में, नेक्स्ट देखिए आप, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया है 6 भी है, सेम दोनों ऐसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, ठीक है, 7 में कह रहा है यहाँ पे ये लेंथ और ब्रेथ एक पार की वो 2:1 है, तो हम यहाँ पे लेट कहते हैं लेट, उसकी जो लेंथ है उसका रेशियो 2x है, तो टू मतलब रेशियो 2 है तो ये 2x हो जाएगा, और उसका जो ब्रेथ है ब्रेथ इज इक्वल टू वो 1x यानी x, और पेरीमीटर दिया गया उसका कितना 240, तो पेरीमीटर आप रेक्टेंगल पार का क्या होता है 2 × L + B, तो ये पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ कितना है 2x + x 240, 2 ट्रांसफर करके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आएगा क्या 3x, और इसको आप डिवाइड करेंगे कितना 120 में 3 से डिवाइड कर हो जाएगा यानी x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 40 आ जाएगा, ये सूट कितना आ गया 40 आ गया, तो उसकी अब लेंथ निकालिए, लेंथ बराबर क्या आ जाएगा, लेंथ कितना था 2 × 40 बराबर हो गया क्या 80 मीटर, और जो ब्रेथ था वो कितना था वो आपको तो 40 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब इसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ जैसे जो है फाइंड क्या करना है इसमें, यहाँ पे ये एक है, ये भी एक क्या है पार्क है ना, इससे लॉन्ग इट्स बाउंड्री फाइंड दी, कह रहा है 2 मीटर वाइड। अब यहाँ पे कह रहा है इसमें सेम जैसे हमने इसका पहले बताया क्वेश्चन वैसे ही यहाँ पे है, कह रहा है कि यहाँ पे एक जो है रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है 2 मीटर वाइड रन इन साइड इसके अंदर से, तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी ये 80 हो गया और यहाँ पे ये हो गया 40, इसके अंदर से 2 मीटर का रास्ता है, पथ है 2 मीटर का, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब इसकी कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पथ है ₹80 per meter का, सेम अब जैसे हमने बताया यहाँ पे आप रास्ते के लिए निकाल लीजिए, पूरे के लिए निकाले फिर अंदर के लिए निकाल लीजिए, इनर डायमेंशन यहाँ पे निकाल लीजिएगा क्योंकि ये 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर कम हो गया, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इनर लेंथ, इनर लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 80 है, 80 में से यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा तो यानी 4 माइनस जाएगा तो बराबर कितना आएगा यहाँ पे 76 मीटर, और इनर ब्रेथ कितनी आ जाएगी, इनर ब्रेथ निकाल देते हैं, इनर ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वो आपका है 40 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 मीटर,
इनर का एरिया निकाल लीजिए, फिर आउटर एरिया में से जो इनर का माइनस करेंगे तो पथ का एरिया आएगा, और फिर जितना रेट दिया उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहे हैं कि स्कूल है, ठीक है, उसकी डायमेंशन सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मीटर और सेंटीमीटर पर कन्वर्ट हम करते हैं इसमें। अभी एक स्कूल है, ठीक है, उसका एक हाल है, उसका एक हाल है, और फिर हाल से यहाँ पे रास्ता भी, साथ में जो उसके रास्ता भी है। अब कह रहे हैं इस हाल की डायमीटर 22 मीटर है और 15.5 मीटर ब्रॉड है, जिसको हम यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे इसका जो लेंथ होगा वो 22 मीटर है, तो 2200 सेंटीमीटर आ गया ये, और विड्थ जो है वो क्या 15.5 है, तो ये रहेगा क्या 1550 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो 75 सेंटीमीटर है। इसके यहाँ पे अंदर जो विड्थ है रास्ते की वो हर जगह से 75 है। तो हम क्या करें, सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही चीज़ करते हैं, हम आउटर यहाँ पे इनर यहाँ निकाल लेते हैं, पहले यहाँ पे इनर लेंथ यहाँ पे हो जाएगा 2200 माइनस 75 सेंटीमीटर, 75 इधर यानी 150 इधर से माइनस हो गया, तो 2200 से आप 150 माइनस करोगे, ठीक है, 2200 और फिर यहाँ पे तो ये आपका कितना आएगा 20,050, ये इतना आ गया, और ये आपका यहाँ पे आ गया क्या इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इनर ब्रेथ निकाल लीजिए, आप यहाँ पे इनर ब्रेथ कितना आएगा 1550 है, उसमें से आपका जो है इधर 150 माइनस, तो जब यहाँ से आपका 150 माइनस होगा तो यहाँ पे 15, तो ये आएगा 1400 सेंटीमीटर ही आएगा। अब यहाँ सीधे आप डायरेक्ट काम करिए, अब यहीं पे पथ का एरिया निकालना है, सीधे निकालिए आप यहाँ पे एरिया पथ, तो एरिया पथ क्या होगा, पूरे एरिया क्या होगा 2200 × 1550 माइनस अंदर वाले के एरिया, डाटा निकालेंगे हमें बार बार, वही स्टेप बार बार हमें लिखना ही पड़ेगा, 1550 × 1400 ये पूरे के एरिया हो गया, और ये जो इनर वाले के एरिया हो गया, तो यहाँ पे रास्ते के एरिया आ जाएगा। आप इसको में मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आपका आएगा 341, और फिर माइनस जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 287,000। ठीक है, और माइनस कर दीजिए तो माइनस करने पे यहाँ पे आएगा आपका 54,000, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये जो आया था ये अंदर वाले का एरिया आया था, ठीक है, अंदर वाले का यहाँ पे एरिया आया था। कह रहा है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कारपेटिंग करनी है, जो है इतना छोड़ करके, इस हाल का इतना एरिया छोड़ करके इतना एरिया में कारपेटिंग करनी है, तो इस कारपेट का एरिया क्या आएगा, तो कारपेट का एरिया देखिए अभी आपने निकाला कितना, ये इतना आया हुआ है। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ पे 20,28,70,000 ये आ गया, तो अब यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर है, पूछा यही है कि एरिया ऑफ कारपेट, तो आप यहाँ निकाल लीजिए क्या एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का एरिया क्या है, आया यहाँ पे 2,28,70,000, तो यहाँ पे क्या है ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, अपान सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट के लिए आप 100 से करते हो तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक बार फिर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर आ गया क्या 287 मीटर स्क्वायर, ये आ गया कारपेट का एरिया। ठीक है, ये कारपेट का एरिया आ गया, उसके फिर यहाँ इसमें ये पूछा है कि जो यहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रिप, मतलब ये जो आपकी स्ट्रिप है ये, ठीक है, जितना छोड़ करके लगाया गया है उसका एरिया क्या होगा, तो उसके एरिया भी आपने निकाला क्या 55,40,000। ठीक है, तो एरिया आप यहाँ निकाल दीजिए क्या एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप यहाँ पे कितना आ गया 5,40,000 अपान हो जाएगा यहाँ पे क्या, इसको भी ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये कैसे बराबर आ गया क्या 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया क्योंकि ये सेंटीमीटर में आया है। ठीक है, हम यहाँ मीटर में इसको कन्वर्ट करके लगा रहे क्योंकि आंसर आपका मीटर में ही आया है, ये हो गया यहाँ पे। अब एरिया ऑफ कारपेट
अब कह रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ, यहाँ पे जो कारपेट होगा, एरिया ऑफ कारपेट, ये क्या होगा, ये कारपेट का लेंथ और ब्रेथ दोनों की इक्वल होगा, और कारपेट का एरिया आया कितना है 287 स्क्वायर टू। लेंथ इसका दिया नहीं गया है, लेंथ इसकी दी नहीं गई, इसकी ब्रेथ दी गई 82 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 82 अपॉन 100 मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि ये मीटर में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 287 इंटू 100 अपॉन 82, ये क्या आएगी, इसकी लेंथ आएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से जो है जब डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे कितना 82 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका इसमें 80, तो यहाँ पे एक मिनट इसका मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड करने पे यहाँ पे 3.5 आएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई यानी एल इक्वल टू आ गया यहाँ पे 350, मेरे छोड़ के ना 350। अब यहाँ पे कॉस्ट निकालना है इसका, ठीक है, कॉस्ट वो भी रेट दिया गया, रेट दिया गया यहाँ पे इसका 60 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा कॉस्ट इक्वल टू 350 इंटू रेट है 60, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज 21,000 आपका जाके आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका इतना हो गया। तो ये से आगे ज्यादा हो गया, सॉल्व अगर करना होगा तो आप सॉल्व करिएगा, बाकी आपने तो कल बताए जाएंगे। ओके, थैंक्स।